हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री से एक पिक्चर रिलीज हुई, नाम है पिक्चर का नेर नेर नेर। वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार है मोहनलाल जी, यस, और एंड आल्सो सिद्दीक, और आल्सो सिद्दीक 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 यस, उनके साथ में एक्टर है या, वो भी। हाँ। मेरे साथ में हमारे मुंबई के सेकेंड एडिट विघ्नेश, मलयालम में जाके ये पिक्चर देखी है हाँ। उन्होंने, जानेंगे कि कैसी लगी हाँ। नेर। तो सर जी, ये कहानी जो जैसे कि नेर जो लोग प्रोनाउंस करते हैं नेरो, दैट इज रॉन्ग। इट्स अ नेर, नेर यानी सत्य, सत्य यानी ट्रूथ, ट्रूथ ट्रूथ की कहानी है। जैसे बोलते हैं ना, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ ऑलवेज गेट जस्टिस। ये कहानी कुछ ऐसी है, एक अंधी लड़की रहती है जिसके साथ बदकिस्मती से रेप हो जाता है। अभी यहाँ पे किस्सा ऐसी है कि लड़की देख नहीं सकती, बट उसके पास कुछ ऐसी खूबियाँ है कि वो मतलब कि फील करके, किसी के चेहरे टच करके उसका स्कल्पचर्स बना सकती है। तो ऐसे कुछ बेरहमी इंसिडेंट्स उसके साथ हो जाते हैं, तो इस वजह से वो मतलब कैसे ना, वो स्कल्पचर्स बना लेती है। तो उसी के थ्रू मतलब कि जो जिसने ये हरकतें किया है उसको अरेस्ट करते हैं। बट इसमें मामला ऐसा है कि लड़की देख नहीं सकती, एंड जो स्कल्पचर्स बना रहे, क्या प्रूफ है कि उसी ने बनाया है, एंड क्या प्रूफ है कि वही लड़का है। तो इसमें प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि वो लड़के ने ही इनके साथ ये हरकत की है, जिसमें मोहनलाल ये केस लेते हैं। एंड सामने वाला डिफेंस लॉयर, दैट इज सिद्दीक, उनको ये बताना है कि ये लड़का इनोसेंट है। तो पूरी कहानी वही वही चीज पे चलती है, पूरा कोर्ट सस्पेंस ड्रामा, या कोर्ट रूम ड्रामा है। या अभी इंटरेस्टिंग प्लॉट लग रहा है ये, इंटरेस्टिंग प्लॉट है थोड़ा सा। मुझे एक बॉलीवुड अपने पिक्चर की याद आई, काबिल की याद, उसमें भी ऋतिक रोशन अंधे रहते हैं, या वो कैसे, थोड़ा एक्शन ज्यादा है उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ये प्लॉट, दिस इज नॉट अ एक्शन मूवी, क्योंकि जीतू जोसेफ उनको जाने जाते हैं मास्टर ऑफ डायरेक्टर, यस, दृश्यम के डायरेक्टर, यस। एंड वो जब भी कुछ भी कंटेंट लेके आते हैं ना, हमेशा सस्पेंस तो रहता ही है, yes, वो जिनके दोनों उनके रगो रगो में है, यस। पार्ट टू मलयालम में भी देखी थी पहले से। उनकी पहली फिल्म आई थी डिटेक्टिव, आई थिंक सो, सुरेश गोपी थे वो उनकी पहली पिक्चर थी। एंड बहुत सारी पिक्चर अभी आती रहती है, बट उनका ऐसा है, कोर्टरूम ड्रामा उनका मतलब वो ये क्या कैसे खासियत है, एंड सस्पेंस तो रहता ही है। एंड उनकी पिक्चर में आप देखो, मिनिमम ट्वाइस वर्थ वॉच है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है कि कैसे एविडेंस मिलते हैं। मोहनलाल लालेटन साहब को इज प्लेइंग लॉयर बेसिकली, तो वो क्या मतलब कि ढूंढते हैं, क्या सबूत पेश करते हैं, वो इस बात पे है। लेकिन क्लाइमैक्स का लास्ट 20 मिनट्स आप देखोगे ना, मतलब कि रियली आप बोलोगे क्या पिक्चर है। मतलब उनकी पिक्चर ऐसी रहती है कि आप पलक झपकाए तो एक सीन निकल गया तो आपको पिक्चर नहीं समझेगी। वो कैसे करते हैं, कैसे केस सॉल्व होता है, और लालेटन साहब क्या करते हैं, वो देखना तो बनता है। तो पिक्चर तो मैं बोलूंगा सुपर हिट है, पिक्चर को सुपर हिट का वर्डिक्ट दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई विग्नेश ने, यस, मुंबई में जब भी कोई मलयालम पिक्चर आती है ना, स्क्रीन थोड़ी कम मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली 21 को आई थी, एंड वही दिन डंकी आई थी, उसके अगले दिन सलार, उसके वजह से शोज को क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत कम संख्या में दी, तो उस वजह से यानी, और जैसे पिक्चर का रेस्पॉन्स अच्छी आती है तो धीरे धीरे शो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे शोज बढ़े, वैसे वैसे फिर हमारे सेकेंड इडियट विग्नेश को मौका मिला ये पिक्चर देखने का, और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली रिव्यू दिया है ऑफ द फिल्म नेर। अब भी जाके देखिए, जहाँ पे भी आपको शोज मिल रहे हैं, अभी भी थिएटर में चल रही है, ओटीटी का इंतजार मत कीजिए, थिएटर का मजा है थिएटर में ही मिलता है। यस, यस, और हम तो इंतजार करेंगे कब अजय देवगन वापस से इसका रीमेक लेके आते हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे मेरे मायले में ये पिक्चर की रीमेक नहीं किया जा सकता है। दृश्यम एक अलग टाइप की मूवी थी, क्योंकि ये जो कोटरिन वाला मूवी है, बहुत सारी बॉलीवुड में भी कई दफा बनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पिक्चर को वो रीमेक करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी बॉलीवुड पे तो हर बार इंजाम लगता ही है कि सारा सब रीमेक ही बनाते, तो शायद मुझे लगता है कि कोई ना कोई उठा के बना दे, बनाएंगे तो देखेंगे हम लोग हिंदी में, और उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो पिक्चर रिलीज हुई है मलयालम में, आप लोग भी जाके देखिए, कमेंट्स में बताना अगर देखी रहेगी तो कैसी लगी है, और नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए। थैंक यू थैंक यू।